नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देखा, भी एक फ्रेशर अकाउंटेंट के इंटरव्यू के दौरान उनसे क्वेश्चन किया गया था भी अगर हमारी कंपनी किसी व्यक्ति को 15,000 का इंटरेस्ट अगर हम पे करते तो उसकी TDS काटने के बाद में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री किस प्रकार से होगी, इंटरेस्ट की एंट्री किस प्रकार से होगी और जो TDS डिडक्ट हुआ है उसकी एंट्री कैसे होगी, और उसके बाद में जो हमारा डिडक्टी है यानी कि जिसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जिसका TDS कटा है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी एंट्री किस प्रकार से होगी। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब है तो आप इस वीडियो को ये स्किप कर सकते हो। अगर आप कुछ TDS के बारे में नया सीखना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। हम इसके सारी बातें आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे कि जो डिडक्टर है जिसने TDS काटा है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस प्रकार से एंट्री होगी, कौन कौन से लेजर क्रिएट होंगे, और जो डिडक्टी है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी एंट्री कैसे होगी और वहां पर किस किस प्रकार के जो लेजर क्रिएट होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन अकाउंटेंट लोगों के लिए जो अकाउंटिंग का कोर्स सीख रहे हैं। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा देना, क्योंकि आगे भी हम आपको इस चैनल पर नई नई वीडियो लगातार देते रहेंगे। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं डिडक्टर। डिडक्टर कौन हो गया? जिसने TDS काटा है, ठीक है। अब TDS का पूरा नाम क्या रहेगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी किसी भी इनकम के स्रोत पे टैक्स जो डिडक्ट होता है वो हमारा TDS होता है। अब इंटरेस्ट के अमाउंट है 15,000 रुपये। अब जो TDS डिडक्टर है, अपने ये मान के चलेंगे भी जो TDS डिडक्टर है उस कंपनी का नाम है ए, और जो डिडक्टी है यानी कि जिसका TDS कटा है उस कंपनी का नाम है बी। अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो और आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, टेली सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, अगर वहां पर आपको किसी भी टाइप की कोई एंट्री करने में कोई परेशानी आ रही है, कोई टेली सॉफ्टवेयर के फीचर्स ऑप्शन को समझने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमारे इस स्क्रीन पे दिए गए हेल्प लाइन नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारी क्वेरी आप हमें बता सकते हो और जिसका हम ऑन कॉल आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो ये जो नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ भी आप ज्वाइन हो सकते हो टेली सॉफ्टवेयर में या किसी वाउचर एंट्री से रिलेटेड किसी भी टाइप की समस्या का समाधान लेने के लिए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं TDS डिडक्टर की। अब पे किया किसको? बी को। अब रूल ये कहता है इनकम टैक्स का भी अगर हम किसी को 5,000 से ज़्यादा का अगर इंटरेस्ट पे करते हैं तो हम 10% है जो उसका TDS डिडक्ट करते हैं। किस कंडीशन के अंदर? अगर जो डिडक्टी है, जैसा कि यहाँ पे बी डिडक्टी है, अगर बी ने ए को अपना पेन नंबर अवेलेबल करवा दिया है तो 10%, अगर पेन नंबर अवेलेबल नहीं करवाए तो 20%, यानी कि 20% के हिसाब से TDS है जो डिडक्ट किया जाएगा। और हम यही मान के चलेंगे भी बी ने ए को अपना जो पेन नंबर है वो अवेलेबल करा दिया था, ये हमारी ए कंपनी। अब सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री करते हैं अपने TDS डिडक्टर यानी कि ए कंपनी के अंदर। अब इंटरेस्ट पे किया है ए ने किसको? बी को। तो अब इंटरेस्ट क्या हो गया यहाँ पर? ए कंपनी के लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बना हुआ है, यानी कि ये ए कंपनी के लिए खर्च है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री क्या करने वाली है? भी ए की बुक्स के अंदर इसकी एंट्री हो रही है भी इंटरेस्ट का अकाउंट है जो डेबिट होगा कितने रुपए से? 15,000 रुपये से। टू जो डिडक्टी है बी, अब जो बी का अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है कितने रुपये से? 15,000 रुपये से, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो सबसे पहले एक एंट्री ए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये होनी है। उसके बाद में यहाँ पे 10% के हिसाब से TDS भी डिडक्ट हुए, कितने रुपए का? 15,000 का 10% कितना हो गया? 1500 रुपए का। तो अब बी का अकाउंट वापस डेबिट होगा, यहाँ पे बी का अकाउंट है जो डेबिट होगा कितने रुपए से? 1500 रुपए से। और टू अब यहाँ पर TDS पेबल का एक अकाउंट बनेगा ए की बुक्स के अंदर कितने रुपए से? 1500 रुपए से, ये क्रेडिट आ गया। अब ये जो TDS पेबल है, अब ये ए कंपनी के लिए गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी बनी है भी इसको 1500 रुपए का जो बी से टैक्स डिडक्ट हुआ है इसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अब अपने चलते हैं बी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर। अब बी को इंटरेस्ट है जो रिसीव हो रहा है
तो अब यहाँ पर बी के लिए ये लेजर क्या बनेगा या क्या बन रहा है इसका इंटरेस्ट, जो ये बन रहा है इंटरेस्ट इसको रिसीव हो रहा है, तो अब बी कंपनी के लिए ये इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट माना जाएगा, यानी कि ये इनडायरेक्ट इनकम है इंटरेस्ट का। तो बी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री क्या होनी है, सबसे पहले ए का जो अकाउंट है यानी कि जिसने टीडीएस डिडक्ट किया था, ए का अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से, 15,000 रुपए से, ठीक है। और टू यहां पर अब इंटरेस्ट का लेजर बनेगा, यहां पर इंटरेस्ट रिसीव 15,000 रुपए से, ये अकाउंट इंटरेस्ट वाला अकाउंट है जो क्रेडिट होगा, और ए का अकाउंट यहां पर अब क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है। अब ए ने बी का यहाँ पे 1500 रुपये का टीडीएस भी डिडक्ट किया था, तो अब इसकी एंट्री भी बी को करनी पड़ेगी, तो अब यहाँ पर क्या होगा टीडीएस, अब इस कंपनी मतलब बी कंपनी के लिए क्या बन गया, ये जो टीडीएस इसका डिडक्ट हुआ है एडवांस टैक्स हो गया एक तरीके का, एडवांस इनकम टैक्स किसके ऊपर है इंटरेस्ट के ऊपर। अब इसका अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट होगा 1500 रुपये से, कौन सा टीडीएस का अकाउंट है जो डेबिट होगा, और टू जो ए का अकाउंट है वो अब 1500 रुपये से यहां पर क्रेडिट होगा। तो अब दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भी यहां ए की कंपनी के लिए ये 15,000 रुपये का एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और यहां पर ये 1500 रुपये की ये गवर्नमेंट के टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। अगर अपने बी की बात करें तो बी की बुक्स के अंदर ये 15,000 रुपये से इनकम इंक्रीज हो रही है, यहां पर तो उसका प्रॉफिट कम होगा, और यहाँ बी की बुक्स के अंदर इसका 15,000 रुपये का मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी ये 1500 रुपये की एसेट बन गई, क्योंकि ये एक तरीके का इसने गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स है जो पे कर दिया एज ए टीडीएस के रूप में इंटरेस्ट का, जो ए कंपनी ने इसका डिडक्ट किया था। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे भी जो डिडक्टर कौन हो गया जिसने टीडीएस काटा था, डिडक्ट ही कौन हो गया जिसका टीडीएस कटा था, ए का एक्सपेंसेस तो ए का इनकम, ए की लायबिलिटी तो दूसरे की एसेट बनती है। तो इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको कोई परेशानी आती है एंट्री करने में टैली सॉफ्टवेयर में, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इस ग्रुप के साथ जरूर ज्वाइन होइए, जहां हम आपको सारी बातें प्रैक्टिकल ऑन कॉल आपको बताने वाले हैं। अगर आज की वीडियो अगर आपको इंटरेस्ट लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।